अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मशकी काम के लिए आपने सफ़ा नंबर 24 खोलना है, जिसका सवाल नंबर 1, 2 और 3 हमने कर लिए थे। आज हम सवाल नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, क़यामत के दिन सबसे पहले किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा। सब बच्चों ने ये लेसन पढ़ा और मैंने बार बार आपको एक बात बताई, समझाई कि जब क़यामत आएगी तो सबसे पहले नमाज के बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नंबर 5 है, नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर क्या है। तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। सवाल नंबर 6 है, मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तो ये तो हम मुसलमान हैं, ये छोटे बच्चों को भी पता है, आप सबको भी पता है कि मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तो ये 3 सवाल आपने अपनी कॉपी पर खुशखत उतारने हैं। उम्मीद है कि सब बच्चे साथ साथ अपनी नमाज की आदत को भी पुख्ता कर रहे होंगे, क्योंकि नमाज जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, सवाल में भी पूछा जा रहा है कि क़यामत के दिन किसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। तो क़यामत के दिन जो है वो सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास तो जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें नमाज जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, पाबंदी के साथ पढ़नी चाहिए। मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि जैसे ही अज़ान हो, आप फ़ौरन उठें, सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले अपनी नमाज अदा करें। आप अपनी नमाज जो है वो अदा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत जो है वो पुख्ता हो जाएगी। अगर आप कोई आपकी नमाज छूट जाती है, तो कोशिश करें कि आप उसको पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत पुख्ता हो जाएगी। तो नमाज जो है वो हमारे दीन की अहम तरीन इबादत है। अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद करते हैं, उनसे खुश होते हैं। पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि नमाज में हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं। नमाज हमें अच्छा इंसान बनाती है, हमें बुराई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है। तो नमाज जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज का आपका यही काम है कि 3 सवाल हैं जो आपने अपनी कॉपी पर खुशखत उतारने हैं। आपकी तरफ तस्वीर भेजी जा रही है, सब बच्चों ने ये काम अपनी कॉपी पर उतारना है। अल्लाह हाफिज़।